गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास में कुछ खास वर्ड मैं बताऊंगा और उन वर्डों का कुछ अलग अर्थ बताऊंगा। आप इन वर्ड को प्रतिदिन तो उपयोग करते हैं, लेकिन आज का उपयोग देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि इनका अर्थ यह भी होता है और ऐसे भी उपयोग किया जाता है। मैंने आज के क्लास में वर्ड शामिल किया है गेट, कॉम, गो, टर्न, टॉल, रन और ग्रो। इन सब का अर्थ होता है होना, और इन सब को उपयोग करके मैं बताऊंगा। एक वाक्य आपके सामने है, द काउ इज रनिंग ड्राई। इसका क्या अर्थ होगा आप सोचिए। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाला है, आप क्लास पूरा देखिए और बढ़िया से देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग क्लास। गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है गेट, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है गेट, तो गेट का अर्थ क्या होगा? होना, ठीक है। मैंने बताया ना सारे अर्थ वर्ड का अर्थ होता है होना, ठीक है। ऐसे गेट का अर्थ पाना भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग होना के अर्थ में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। सी इज गेटिंग थिन, सी इज गेटिंग थिन, तो यहाँ गेटिंग का अर्थ क्या होगा? पतला होना, ठीक है, होना। तो सी इज गेटिंग थिन का मतलब वो पतला होती जा रही है, दुबली होती जा रही है, सी इज गेटिंग थिन। अगला, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होते जा रहा है। काफी इंटरेस्टेड सेंटेंस है, इट इज गेटिंग डार्क, बार बार यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होते जा रहा है। ही इज गेटिंग ओल्डर, वह बुढ़ा होते जा रहा है। ही इज गेटिंग ओल्डर, वह बुढ़ा होते जा रहा है। यू आर गेटिंग वीकर, तुम कमजोर होते जा रहे हो। यू आर गेटिंग वीकर, तुम कमजोर होते जा रहे हो। तो इस तरह बहुत सारा आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे और उसमें गेटिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज गेटिंग हैंडसम, राम सुंदर होते जा रहा है। मोहन इज गेटिंग फैट, मोहन मोटा होते जा रहा है। या रानी इज गेटिंग इंटेलिजेंट, रानी तेज होती जा रही है। तो ऐसा आप वाक्य बनाएंगे। अगला है, शुगर इज गेटिंग स्कार्सर, शुगर इज गेटिंग स्कार्सर। इसका मतलब क्या हुआ? चीनी कम होते जा रहा है, इसका स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है। शुगर इज गेटिंग स्कार्सर, चीनी कम होते जा रहा है। अगला है, सी इज गेटिंग सैड, वह उदास होते जा रही है। सी इज गेटिंग सैड, वह उदास होते जा रही है, ठीक। वाक्य में इसका उपयोग कीजिए और बार बार बोलिए ताकि प्रैक्टिस हो। सी इज गेटिंग सैड, वह उदास होती जा रही है। अगला वाक्य है, द वेदर इज गेटिंग हॉट, द वेदर इज गेटिंग हॉट, मौसम गर्म होता जा रहा है। द वेदर इज गेटिंग हॉट, मौसम गर्म होता जा रहा है। ही इज गेटिंग फूल, वह मूर्ख बनता जा रहा है। ही इज गेटिंग फूल, वह मूर्ख बनता जा रहा है। तो इस तरह आप गेट का प्रयोग करेंगे होना के अर्थ में, ठीक है। अगला देखते हैं वर्ड, बिकम है। अगला वर्ड है बिकम, ठीक है। बिकम का अर्थ भी क्या होगा? होना, ठीक है, होना, ठीक है। ऐसे तो इसका अर्थ होता है बनना भी होता है, ठीक है, लेकिन आप होना के अर्थ में कैसे इसका उपयोग करेंगे? बिकम का मतलब हुआ होना, ठीक है, होना, हो जाना, परमानेंटली। तो वाक्य में इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे ही बिकेम फादर ऑफ ए सन, ही बिकेम यानी वह हो गया फादर ऑफ सन, वह एक पुत्र का पिता बन गया, बन जाना, यानी बिकम माने बनना भी होता है, होना भी होता है। ही बिकेम फादर ऑफ ए सन, वह एक पुत्र का पिता बन गया। ही बिकेम फादर ऑफ ए सन। अगला है, सी बिकेम लीन एंड थीन, बिकेम माने वो हो गई क्या? लीन एंड थीन, पतली दुबली हो गई। सी बिकेम लीन एंड थीन, वह पतली दुबली हो गई। सी बिकेम लीन एंड थीन, वह पतली दुबली हो गई। ऐसे ही वाक्य में आपका उपयोग आप उपयोग करेंगे। जैसे राम बिकेम लीन एंड थीन, राम पतला दुबला हो गया, ठीक है। ऐसे हर आईज बिकेम रेड विथ एंगर, उसका आंख क्रोध से लाल हो गया। तो बिकम का अर्थ क्या हो गया? होना। हर आईज बिकेम रेड विथ एंगर, उसका आंख क्रोध से लाल हो गया। हर आईज बिकेम रेड विथ एंगर, उसका आंख क्रोध से लाल हो गया। अगला है, आई बिकेम एक्वाइंटेड विथ हर,
आई बिकेम एक्वाइंटेड विथ हर। एक्वाइंटेड का मतलब क्या होता है? चिन्हा परिचय होना, मेरा उससे परिचय हो गया। आई बिकेम एक्वाइंटेड विथ हर, मेरा उससे परिचय हो गया। ठीक है, हर इन उससे, आई बिकेम एक्वाइंटेड विथ हर, मेरा उससे परिचय हो गया। अगला है, सी सून बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वह बहुत जल्द मेरी अच्छी मित्र बन गई। सी बिकेम बेस्ट फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड, सी सून बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वह बहुत जल्द मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। सी सून बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वह बहुत जल्द मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। ठीक है, सून माने बहुत जल्द होना होता है। तो इस तरह आप क्या करें, बिकेम का उपयोग कीजिए वाक्य में, होना के अर्थ में, और बहुत सारे वाक्य बनाइए। अगला है ग्रो। ग्रो का मतलब तो उपजना भी होता है, लेकिन आज हम लोग इसका उपयोग करेंगे होना के अर्थ में। ठीक है, ग्रो का उपयोग करेंगे होना के अर्थ में। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग वाक्य बनाते हैं। द डे इज ग्रोइंग लॉन्गर, द डे इज ग्रोइंग लॉन्गर, दिन लंबा होता जा रहा है, दिन क्या हो रहा है, लॉन्गर होता जा रहा है। द डे इज ग्रोइंग लॉन्गर, दिन लंबा होता जा रहा है। यू आर ग्रोइंग थिनर, यू आर ग्रोइंग थिनर, तुम पतले होते जा रहे हो। यू आर ग्रोइंग थिनर, तुम पतले होते जा रहे हो। यू आर ग्रोइंग थिनर, तुम पतले होते जा रहे हो। इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क, या अंधेरा होते जा रहा है, अंधेरा होते जा रहा है। इट इज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा होते जा रहा है, इट इज ग्रोइंग डार्क। अगला है, यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर हैंडसम, यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर हैंडसम। देखिए इसका उपयोग कितना इंटरेस्टेड हो रहा है। यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर हैंडसम, तुम दिन पर दिन यानी प्रतिदिन हैंडसम होते जा रहे हो। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक हैंडसम होते जा रहे हो। यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर हैंडसम, तुम अधिक से अधिक सुंदर होते जा रहे हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। सी इज ग्रोइंग मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, सी इज ग्रोइंग मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, वह दिन पर दिन अधिक सुंदर होते जा रही है। सी इज ग्रोइंग मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, सी इज ग्रोइंग मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, ग्रो का उपयोग करेंगे होना के अर्थ में, काफी इंटरेस्टेड है। अगला है कम, कम का मतलब तो होता है आना, लेकिन आज हम इसका उपयोग देखेंगे होना के अर्थ में। ठीक है, होना में के अर्थ में कैसे कम का उपयोग किया जाता है। कम माने तो होता है आना, लेकिन होना भी इसका अर्थ होता है। तो होना कब होगा, वाक्य में किस तरह यूज करेंगे कि होना इसका अर्थ होगा, तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे योर ड्रीम विल कम ट्रू सून, योर ड्रीम विल कम ट्रू सून, तुम्हारा जो सपना है बहुत जल्द सत्य होने वाला है, यानी साकार होने वाला। तो होना हो गया ना, योर ड्रीम विल कम ट्रू सून, तुम्हारा सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है, यानी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। द नॉट केम ऑन टाई, के एन ओ टी, नॉट का हिंदी याद कर लें, नॉट का मतलब गांठ होता है। ठीक है, गांठ जिससे रस्सी वगैरह होता है ना, रस्सी का जो गांठ होता है उसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, द नॉट केम अनटाइड, अनटाइड माने ढीला हो जाना यानी खुल जाना। ठीक है, द नॉट केम अनटाइड, गांठ खुल गया, द नॉट केम अनटाइड, गांठ खुल गया, गांठ खुल गया, अनटाई हो गया, ढीला हो गया। ठीक है, वैसे ही है द शू लैसेस केम अनडन, अनडन माने भी क्या होता है, ढीला हो जाना या खुल जाना। ठीक है, द शू लैसेस केम अनडन, दो इसका अर्थ हो गया जूता का जो लैस है, जो डोरी है, वो क्या हो गया, ढीला हो गया। तो यहाँ कम का अर्थ क्या होगा, होना। ठीक है, फिर से सुनिए, हिज शूज लैसेस केम अनडन, हिज शूज लैसेस केम अनडन, उसके जूता का लैस ढीला हो गया। हिज शू लैसेस केम अनडन, उसके जूता का लैसेस ढीला हो गया। ठीक है, ऐसा ही है, द सीम केम अनस्टिच्ड, द सीम केम अनस्टिच्ड। तो यहाँ सीम का मतलब क्या होता है, सिलाई, जैसे कपड़े का सिलाई होता है ना, तो कपड़ा का सिलाई क्या हो गया, खुल गया, खुल गया। द सीम केम अनस्टिच्ड, कपड़ा का सिलाई जो था वह खुल गया, खुल गया, होना ढीला हो गया। अगला है, द हाई केम लूजेज, द हिंगे केम लूजेज। ठीक है, तो हिंगे का मतलब ही गांठ होता है, एच आई एन जी, हिंगे का मतलब ही होता है गांठ। गांठ क्या हो गया, लूज हो गया, होना के अर्थ में हो गया ना, द हिंगे केम लूजेज, यानी गांठ ढीला हो गया। तीसरा आप क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसको लफ्जों पर रखेंगे, क्योंकि बार बार ऐसे शब्द का उपयोग करना पड़ता है आपको। ठीक है, अगला है गो, गो का मतलब तो होता है जाना, लेकिन आज हम लोग इसका उपयोग करेंगे होना के अर्थ में। ठीक है, होना के अर्थ में, काफी इंटरेस्टेड है। ठीक है, जस्ट देखिए,
माई हेयर वेंट व्हाइट, माई हेयर वेंट व्हाइट, मेरा बाल व्हाइट हो गया, उजला हो गया, माई हेयर वेंट व्हाइट, मेरा बाल उजला हो गया, ठीक है। अगला ही इज गोइंग बाल्ड, ही इज गोइंग बाल्ड, ही इज गोइंग बाल्ड, ठीक है, वह टकला होते जा रहा है, इसका मतलब बाल्ड होते जा रहा है, ठीक है। अगला है ही हैज गॉन मैड, ही हैज गॉन मैड, वह पागल हो गया, ही हैज गॉन मैड, वह पागल हो गया, तो यहाँ गॉन का अर्थ क्या हो गया, होना के अर्थ में, ठीक है। द कॉर्ड हैज गॉन सोर, द कॉर्ड हैज गॉन सोर, सोर मैंने क्या होता है खट्टा, दही खट्टा हो गया, द कॉर्ड हैज गॉन सोर, दही खट्टा हो गया, द कॉर्ड हैज गॉन सोर, कॉर्ड मैंने क्या होता है दही, दही खट्टा हो गया, ओके। अगला है माई फोन हैज गॉन डैड, माई फोन हैज गॉन डैड, मेरा फोन क्या हुआ डैड हो गया, खराब हो गया, माई फोन हैज गॉन डैड, मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप उपयोग करें, खूब वाक्य बनाएं। अगला है टर्न, चलिए देखिए टर्न, टर्न का उपयोग होना के अर्थ में हम कैसे करते हैं, टर्न का मतलब हुआ यहाँ होना, तो वाक्य में इसका उपयोग करके देखते हैं टर्न का उपयोग होना के अर्थ में। जैसे वाक्य में इसको लिखेंगे द मैंगोज आर टर्निंग येलो, द मैंगोज आर टर्निंग येलो, आम का रंग येलो हो रहा है, मैंगोज आर टर्निंग येलो, मैंगो का रंग येलो होता हो रहा है। द वेदर हैज टर्न्ड कोल्डर, मौसम ठंडा हो चुका है, द वेदर हैज टर्न्ड कोल्डर, मौसम ठंडा हो चुका है। वैसे ही मिल्क टर्न्ड सोर, दूध खट्टा हो चुका है, हो गया द मिल्क टर्न्ड सोर, दूध खट्टा हो गया, द मिल्क टर्न्ड सोर, दूध खट्टा हो गया, ठीक है। अगला है हिज फेस टर्न्ड रेड विथ एंगर, उसका चेहरा गुस्सा से लाल हो गया, हिज फेस टर्न्ड रेड विथ एंगर, हिज फेस टर्न्ड रेड रेड विथ एंगर, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, ठीक है, तीसरा बनाएंगे। अगला है इन ऑफिसर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक ऑफिसर राजतज्ञ हो गया, इन ऑफिसर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक ऑफिसर राजतज्ञ हो गया, ठीक है, तीसरा वाक्य आप बनाएंगे। अगला है रॉन, रॉन का मतलब ही क्या होगा, होना, तो कैसे रॉन का उपयोग करेंगे हम लोग देख लेते हैं वाक्य में। रॉन, रॉन मैंने तो इसे दौड़ना होता है, लेकिन रॉन का उपयोग हम लोग होना के अर्थ में करके देखेंगे। जैसे देखिए द पोंड हैज रॉन ड्राई, द पोंड हैज रॉन ड्राई, हैज रॉन ड्राई, यानी जो पोंड है तालाब है वो क्या सूख गया, सूख चुका है, रॉन ड्राई हो चुका है, द पोंड हैज रॉन ड्राई, रॉन ड्राई का मतलब सूख जाना, ठीक है, तालाब सूख गया है, तालाब सूख गया है। अगला द काउ आर रॉनिंग ड्राई, अब काउज आर रॉनिंग ड्राई, काफी विचित्र सा लग रहा है, तो रॉनिंग ड्राई जो है इसका मतलब है बिसुकना, गाय बिसुक रही है, द काउज आर रनिंग ड्राई, गाय बिसुक रही है, द काउज आर रनिंग ड्राई, गाय बिसुक रही है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको याद रखिएगा। वाटर सप्लाई इज रनिंग लो, वाटर जो सप्लाई है कम हो रहा है, वाटर सप्लाई कम हो रहा है। अगला है द कॉर्ड रेन लॉ ए लॉ लो इन द फिस्ट, ओके, द कॉर्ड रेन लॉ लो इन द फिस्ट, भोज में दही जो है कम हो रहा है, कम हो गया, द कॉर्ड रेन लॉ, रेन लॉ इन द फिस्ट, भोज में, फिस्ट का मतलब क्या होता है भोज, भोज में दही कम हो गया, द कॉर्ड रेन लो इन द फिस्ट, ओके, भोज में दही कम हो गया, लो हो गया, एलओ डब्ल्यू लो लिखा हुआ है, द कॉर्ड रेन लो इन द फिस्ट, भोज में दही कम हो गया। अगला है द वेल इज रनिंग ड्राई, द वेल इज रनिंग ड्राई, वेल मैंने कुआं हो गया, रनिंग ड्राई यानी सूख रहा है, यानी कुआं सूख रहा है, द वेल इज रनिंग ड्राई, कुआं सूख रहा है, द वेल इज रनिंग ड्राई, कुआं सूख रहा है। अगला है फॉल, एफ ए डबल एल, ठीक है, फॉल का अर्थ भी क्या होगा, होना, तो देखिए अगला वर्ड आ गया आपका फॉल, तो फॉल का उपयोग हम लोग देखते हैं कि वाक्य में फॉल का उपयोग कैसे करेंगे होना के अर्थ में, ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ही हैज फॉलन इल, ही हैज फॉलन इल, वह बीमार हो चुका है, ही हैज फॉलन इल, होना बीमार हो चुका है, ही हैज फॉलन इल, वह बीमार हो चुका है, ही हैज फॉलन इल, वह बीमार हो चुका है। ऐसे ही फेल असलिप एट 9 PM, वह 9 बजे सो गया, ही फेल असलिप एट 9 PM, वह 9 बजे सो गया, ही फॉल असलिप,
9 PM वो 9 बजे सो गया, उसको 9 बजे क्या 16 आ गया, ठीक है नींद आ गया। अगला है सी फॉल्स इन लव, सी फेल इन लव, नो सी फेल इन लव, उसे प्यार हो गया, सी फेल इन लव, उसे प्यार हो गया। आप बोल सकते आई फेल इन लव, मुझे प्यार हो गया। मोहन फेल इन लव, मोहन को प्यार हो गया। ओके राधा फेल इन लव, राधा को प्यार हो गया, ठीक है ऐसे बोलेंगे। वैशाली फॉल्स इन बिहार, वैशाली बिहार में पड़ता है, यानी बिहार में है, वैशाली फॉल्स इन बिहार, बिहार में वैशाली है, ठीक है होना करते हैं, यानी बिहार में ही है वैशाली, वैशाली फॉल्स इन बिहार। ओके अगला हर मोबाइल सेल इन टू पीसेज, उसका मोबाइल गिरकर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, यानी चुकनी चुकनी हो गया। हर मोबाइल सेल इन टू पीसेज, उसका मोबाइल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। हर मोबाइल सेल इन टू पीसेज, उसका मोबाइल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो ओके गाइस आज हम लोग अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।